तो एक शोरूम हमने जलंधर पंजाब में भी बना दिया है। इस बार हमने स्टेशनरी की शॉप बनाई है और ये कुंदन ट्रेडर्स के नाम से है। कोई भी अगर यहाँ पे आके देखना चाहते हैं तो नेट पे सर्च मार के देख सकते हैं कि शॉप कैसी लग रही है। और यहाँ पे स्टेशनरी का है ना सारा का सारा सामान अवेलेबल है। एक मैं आपको लुक दिखाया था ये शॉप कैसी लग रही है बनने के बाद। अगर हम उस साइड देखें तो बहुत ही प्यारा लुक आ रहा है। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें आपको है ना मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कहाँ पर क्या प्रोडक्ट लगा है और कैसे उसको हाईलाइट करना है। जैसे ऊपर की साइड अगर हम देखें तो यहाँ पर है ना प्रोडक्ट का नाम लिख रखा है पेंसिल केसेस एंड पाउचेस। नीचे उसके प्रोडक्ट हैं पूरे। और जैसे इरेजर होती है ये हम स्कूल लाइफ में इसको ये गुम हो जाती थी, आज तक पता नहीं चला गुम क्यों हुई है। तो इसके लिए मैंने एक्राइलिक का बॉक्स बनाया ताकि ये यहाँ से गुम ना हो जाए। और ऊपर है ना हैंगिंग सेक्शन दे दिया तो ज्योमेट्री बॉक्स वगैरह सब कुछ आ जाएंगे यहाँ पर। देन नेक्स्ट जो सेक्शन आता है वो है हमारा स्कूल सप्लाइज़ का। तो इसमें भी काफ़ी सारे हैंगिंग वाले प्रोडक्ट हैं और नीचे स्टोरेज दे दी गई है। देन जो नेक्स्ट सेक्शन आता है गैजेट एंड ट्रैवल में, आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी सारी वैरायटी है। तो ये जितनी डिस्प्ले होगी उतनी ज़्यादा सेल बढ़ जाएगी। और एक और सबसे काम की बात बताता हूँ, फिलहाल तो ये नकली नोट है। इस नकली नोट को गिनने के लिए एक नकली मशीन भी है। नकली नहीं है वैसे, वो असली है। आप लोग भी अपने यहाँ पर लगवा सकते हैं। तो पता नहीं कैसे गिनते हैं इसमें, मेरे पास तो है नहीं पैसे। ये वुडन के ऊपर ग्लास का प्रोडक्ट ऐसे बहुत ज़्यादा हाईलाइट होता है। आप इसको सेंटर में बनवा सकते हो। ये बिलिंग एरिया है, बिलिंग एरिया में तो बिल होता ही है। जैसे कस्टमर यहाँ खड़े होते हैं ना तो यहाँ पे हैंगिंग दे दी गई है। जैसे कस्टमर अगर बिल करा रहे हैं तो जाने से पहले किसी के लिए दिल खरीद ले या कुछ भी खरीद सकते हैं। तो यहाँ पे स्टोरेज का एरिया भी है, यहाँ पे भी काफ़ी सारी स्टोरेज है। अभी मैंने लाइट बंद कर रखी है क्योंकि वीडियो में दिखाई नहीं दे रही थी। अब इस साइड आते हैं हम ग्रीटिंग्स वाले एरिया में। यहाँ पे बहुत सारे एनवेलप हैं, हर तरह के डिज़ाइन आपको मिल जाएंगे। तो इन तरह के जितने भी ये एनवेलप्स हैं ना आपको यहाँ पे डिज़ाइन करके आप इस तरीके से डिस्प्ले रख सकते हैं। और इसके ठीक साथ में भी काफ़ी सारा डिस्प्ले का पोर्शन है। सबसे खास बात यहाँ रहती है नीचे स्टोरेज करो और ऊपर है ना प्रोडक्ट की हैंगिंग में आप डिस्प्ले करोगे तो बहुत ही प्यारा लुक आएगा। इसके बाद हम प्रीमियम रेंज पे चलते हैं। पेन की प्रीमियम रेंज है यहाँ पर। तो ऐसी सेंटर में जो भी आपका प्रोडक्ट सबसे कॉस्टली होता है उसकी एक सेक्शन बना दिया हमने यहाँ पर। और ये सेंटर में ग्लास का वर्क है। पीछे की साइड अगर देखिए शेल्फ है ना अप एंड डाउन है तो उससे एक बहुत प्यारा लुक आ जाता है, एक पूरा मॉल वाला लुक आता है। और नीचे है ना स्टोरेज बनाई गई है। ये स्टोरेज आपको खुद डिज़ाइन करवानी पड़ेगी, वुडन में होती है ये। और ऊपर मेटल का स्ट्रक्चर हम बना कर देते हैं और उसके लिए फ़ोन नंबर भी मैंने लिख दिया है, आप उस पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। देन आगे आते हैं हम, ये पेन का एरिया है। यहाँ पर सेंटर रैक में हमने पेन रखे हैं। ये मेरे फेवरेट पेन है बॉल पेन। तो यहाँ मेंशन भी है बॉल पेन्स, तो कस्टमर को अगर दिखेगा ना यहाँ पे बॉल पेन रखे हैं तो वो खरीद लेंगे, वैसे वो वैसे भी खरीदेंगे। और बाकी यहाँ पे एक्राइलिक का स्ट्रक्चर मैंने यहाँ भी दिया है। जैसे लूज़ आइटम होती है तो वो गुम हो जाती है, तो उस चीज़ के लिए पूरा सिस्टमेटिक वे में काम करना चाहिए। क्योंकि 5-5 रुपये की आइटम भी है ना मिल करके 5,000 रुपये बन जाते हैं अगर हर महीने ख़राब हो। तो उन चीज़ों को ढंग से डिस्प्ले करना है आपने। फिर यहाँ पे बॉक्स वाली पैकिंग के पेन आते हैं तो उसका डिस्प्ले अलग है पूरा का पूरा। और इसके अगर हम देखें जैसे हमने यहाँ पे एरिया है ना मैग्नेट्स का यूज़ किया है, तो ये मैग्नेट भी सेल वाली है तो इनको यहाँ पे ये मेटल के रैक इस पे चिपक जाते हैं। इसके ठीक बाद है ना यहाँ पे बड़े प्रोडक्ट है ना सर के वो सारे डिस्प्ले होंगे। ये सेंटर रैक की लेंथ है ना मैंने काफ़ी बिग की है। और इसके दो साइड हैं, इस साइड और इस साइड, लेफ्ट और राइट। तो आपकी जो एक शॉप है ना वो तीन दुकानों के बराबर हो जाती है अगर आप सेंटर में रैक लगाओगे। और आपका है ना गोडाउन का खर्चा बचेगा, आप इसमें काफ़ी स्टोरेज कर सकते हो और सेल भी बढ़ जाएगी। इसके बाद ठीक बात है ना अगर हम जाएं यहाँ पर तो ये डायरी हैं, तो हर तरह की कंपनी की डायरी आपको मिल जाएगी और हर रेट की। तो वो सारी डिस्प्ले आपको इस तरीके से यहाँ पे करनी है। और यहाँ पर है ना हमने नीचे लाइट लगाई है ताकि है ना आपका प्रोडक्ट ज़्यादा दिखे। इसके बाद ना चिल्ड्रन बुक का सेक्शन है, तो यहाँ पर बच्चों के लिए जितनी भी किताबें हैं वो यहाँ पर हैं। और उसके बाद हम चलते हैं, ये एरिया खाली था तो यहाँ पर वुडन बॉक्स से हमने स्ट्रक्चर बना दिया और यहाँ पे भी प्रोडक्ट काफ़ी स्टोर कर दिया। ये आर्ट एंड क्राफ्ट का सारा सामान है यहाँ पर। और ऊपर हैंग होने से है ना डिस्प्ले अच्छी आती है काफ़ी। तो स्टेशनरी की जो आपकी शॉप है ना कम से कम 30-40% है ना आपको हैंगिंग चाहिए। मेरे राइट में है ना स्टोरेज है नोटबुक का, तो ये नोटबुक की भी बड़ी प्यारी स्टोरेज है। जितने कलरफुल आप पैटर्न देंगे ना आपकी सेल ज़्यादा बढ़ेगी। इसके ठीक बाद है ना यहाँ पर सेक्शन बनाए हुए हमने बॉक्स टाइप, आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर हर तरह के पेन की स्टोरेज रहेगी और यहाँ पे फिर से हैंगिंग है और यहाँ पर नीचे स्टोरेज रहेगी। तो जितने बॉक्स की आइटम है आप नीचे रख सकते हैं। और कभी भी आप ऑब्ज़र्व करेंगे जो ऊपर की आइटम है इनकी सेल ज़्यादा होती है क्योंकि ज़्यादा डिस्प्ले है ये।
आई होप सबको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। और ये डार्क थीम में मैंने डिज़ाइन की थी, इसमें हमारी सब तरह की थीम बन जाती है और मेटल का स्ट्रक्चर हम सेल करते हैं। अगर आप लोग भी फर्नीचर लेना चाहते हैं तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर लिखा हुआ है, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।